ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਹੈ? अभी सर जनवरी इनटेक कुछ यूनिवर्सिटीज में चल रहा है, फरवरी इनटेक चल रहा है, साथ ही साथ मई इनटेक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मई इनटेक की मेरे पास I-20s आ चुकी हैं, मई इनटेक भी ऑलरेडी चल चुका है, और साथ के साथ सितंबर तो उन यूनिवर्सिटीज के लिए जो टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी हैं, जो सिर्फ सितंबर टू सितंबर चलती हैं, वो यूनिवर्सिटीज में भी, जैसे रिट स्टेट यूनिवर्सिटी है, सिर्फ सितंबर में आपको एंटरटेन करेगी अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो। हाईएस्ट सक्सेस रेट है यूनिवर्सिटी का रिट स्टेट यूनिवर्सिटी। जो भी बच्चे अगर अच्छी यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, और सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, रिट स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटीज में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, माउंट क्लियर स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ऐसी अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, एक बार स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन की राय जरूर ले लेना, उनसे स्टेप बाय स्टेप जरूर पूछ लेना कितना खर्चा आता है, आपने पेमेंट्स कैसे देनी है, इनकी ऑफर लेटर से लेके I-20 तक का कितना टर्न अराउंड टाइम रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, क्या ट्रांसक्रिप्ट भेजनी है। देखो सर, हर कोई यूएसए, हर एजेंट यूएसए अप्लाई कर देगा, पर एक ऐसा एजेंट चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसको फर्स्ट स्टेज पे बताओ कि इस यूनिवर्सिटी में, मैं बात कर लेता हूं कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी है, क्या इस यूनिवर्सिटी में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जाना है, क्या इस यूनिवर्सिटी में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जाना है, क्या इस यूनिवर्सिटी में आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी से या स्कूल से ट्रांसक्रिप्ट कोरियर कराना जरूरी है, ये फर्स्ट स्टेज पे बच्चे को पता होना बहुत जरूरी है। अगर ये फर्स्ट बच्चे को नहीं पता तो बच्चे की I-20 और ऑफर लेटर 101% डिले हो गए, कोई नहीं रोक सकता। पोर्टल चलाना आना चाहिए, पोर्टल की पूरी ट्रेनिंग हम देंगे बच्चे को, आपका पोर्टल आपको दिया जाएगा, पोर्टल कैसे आपने ऑपरेट करना है, पोर्टल पे सारी चीजें आती हैं, आपकी I-20 कब इशू होगी, आपका ऑफर लेटर आ गया, हर चीज की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। स्कॉलरशिप सबसे जरूरी बात, स्कॉलरशिप, अगर कोई बच्चा स्कॉलरशिप लेना चाह रहा है, बैचलर डिग्री वाले बच्चे की फीस अगर $20,000 है, $80,000 चार साल की फीस है, मैं उसे $45,000 तक की स्कॉलरशिप दिलवाऊंगा। किसी बच्चे की फीस पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री करने के लिए जा रहा है, $20,000-$17,000 की अगर उसकी फीस है, उसको $5,000-$10,000 तक की स्कॉलरशिप बहुत इजीली मिलेगी। सिर्फ स्कॉलरशिप क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। मैं यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा कि जी सब कुछ मेरे हाथ में है, यूनिवर्सिटी मैंने खरीद ली, आप बोलो कितनी स्कॉलरशिप चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। स्कॉलरशिप सिर्फ मिलती है आपकी प्रोफाइल बेस्ड, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्रोफाइल है, आपने किस जगह अप्लाई करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप देगी। अब ये नहीं है कि मेरे पास एक बच्चा आ गया, सर मैं तो जाना ही सिर्फ कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी जाता हूं, बट मेरे को स्कॉलरशिप दीजिए, वो चीज पॉसिबल नहीं है। वो तब पॉसिबल होगी अगर आपकी प्रोफाइल आउटस्टैंडिंग होगी, आप एलिजिबल होंगे स्कॉलरशिप के लिए। वो मेरी यूनिवर्सिटी नहीं है, ना ही वो किसी और एजेंट की यूनिवर्सिटी है जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि $80,000 $60,000 की स्कॉलरशिप तो उनके पास ऑफिस में पड़ी हुई है, सिर्फ ऑफिस में देखिए, आइए स्कॉलरशिप लेटर देखिए। सर आपका स्कॉलरशिप लेटर, मैं सभी अपने बच्चों को गाइड करना चाह रहा हूं, आपका स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया दूसरे बच्चों के स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है। किसी दूसरे बच्चे की स्कॉलरशिप देख के अपनी स्कॉलरशिप के सपने मत बुनिए, अपनी स्कॉलरशिप मत देख लीजिए कि आपको भी स्कॉलरशिप मिलेगी। प्रोफाइल अच्छी होगी स्कॉलरशिप मिलेगी, प्रोफाइल अच्छी नहीं होगी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आपको वीजा मिल जाएगा। दोनों तरीकों से आप यूएसए जा सकते हैं।